नमस्कार। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद अभी तक की सूचना इस प्रकार से है कि आज के कुल 105 पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिसमें से 3 दुखद अवसान भी हुए हैं। इनका अलग अलग शहरों में है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमदाबाद में 42 और सूरत में 35 जितने केस हैं। बाकी डिटेल्स आपको अभी दिए जाएंगे। अभी तक के जो पॉजिटिव केसेस हैं उसमें से 767 जितने लोग बिल्कुल स्टेबल हैं, उनकी चिकित्सा चल रही है, और 5 ऐसे लोग हैं जो क्रिटिकल हैं। आज खास एक बात कहनी थी कि हमारे यहाँ अभी तक 20,204 जितने टेस्ट बहुत ही बड़ी पैमाने पर बड़ी मात्रा में हम लोगों ने की है, और इसमें भी देखा जाए तो गुजरात में जिसे हम कहते हैं टेस्ट पर मिलियन, यानी दर 10 लाख की आबादी में कितने टेस्टिंग किया, तो हमने 267 जितने किए हैं, जो ऑल इंडिया एवरेज से भी ज़्यादा है, वहाँ पर 177 है। तो गुजरात में टेस्टिंग का प्रमाण भी बढ़ा है। और आज एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी ही एक स्टेट गवर्नमेंट की संस्था है जिसे हम गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहते हैं, GBRC, और इसके अंदर एक बहुत अच्छा उन्होंने जो चाइना में इसके लिए रिसर्च पहले हो रहा था, लेकिन पूरा जो कोरोना वायरस जो है उसका जीनोम सीक्वेंसिंग, ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम उन्होंने हाथ पर लिया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी साहब की अध्यक्षता में जो मीटिंग होती है इसमें इन्हें ये काम करने का आदेश भी दिया था और परवानगी परमिशन भी दी थी, और राज्य सरकार ने उन्हें 31 तारीख मार्च को सैम्पल्स इस तरह से टेस्टिंग करने की परमिशन दी थी, मंजूरी दी थी। और उसके बाद इन्होंने सब काम RNA एक्सट्रैक्ट करके जीनोम सीक्वेंसिंग का काम किया है, और लगभग 29,903 न्यूक्लियोटाइड्स जिसे कहते हैं उस सब का इसमें इन्वॉल्वमेंट उन्होंने सब स्टडी करके फिर इसमें ऐसे पाया गया है कि 9 म्यूटेशंस, म्यूटेशन यानी चेंज, बदलाव इस तरह से आए गए हैं। जो वुहान की जो स्ट्रेन है उसमें जब स्टडी किया 6 म्यूटेशंस थे, तो 3 ऐसे नए नॉवल म्यूटेशंस भी अपने यहाँ जो वायरस है अभी उसमें पाए गए हैं। ये क्यों हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है? इसलिए कि इससे हमें इस पूरी वायरस की ओरिजिन, मूल ये कहाँ से आई है, और इसी तरह से इसकी विरुलेंस यानी कि इसकी बिल्कुल प्रकोप जो है कितनी विरुलेंस है, और इसके कोई वैक्सीन यानी कि हम कहते हैं रसीकरण अगर डेवलप करना है, या कोई इसके लिए दवाई इसके संक्रमण को रोकने के लिए या चिकित्सा के लिए कोई दवाई, इन सभी चीज़ों के लिए ये जो अनुसंधान है, रिसर्च है, बहुत मायने रखता है। और हमारे साइंटिस्ट्स और हमारी पूरी टीम के जिसके सचिव हरित शुक्ला साहब हैं, इन सबको और हमारे पूरे राज्य के सभी लोगों को भी हम अभिनंदन देते हैं कि ये एक अच्छा स्टेप हम सब ने आगे लिया है, और उससे कई सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और आशा है कि इंडिया में और ख़ास गुजरात में इस वायरस के लिए कुछ हमें एक नक्कर सॉल्यूशन भी मिल पाए। नमस्कार।